बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। इस मौके पर पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज के छात्र संघ शपथ समारोह में भाग लिया। साथ ही एबीवीपी के अध्यक्ष और महासचिव को शपथ दिलाई। इसके बाद राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित छात्र संघ शपथ समारोह में शिरकत भी की। साक्षी रखकर आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय सतीश बनाया, फिर भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब इसको सुचारू रूप से। झुंझुनू के कुकर में शिक्षक को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि झुंझुनू के दोरासर में संचालित केंद्र सरकार के एक प्रतिष्ठित स्कूल में जुड़ा ये मामला था। इसमें एक टीचर ने पिछले एक साल में करीब एक दर्जन बच्चों के साथ कुकर्म किया। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेज दिया, लेकिन उसकी पैरवी करने के लिए कोई वकील खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि झुंझुनू बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वे इस मामले में आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे। वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह मामला लोकसभा में उठाया और मांग की कि इसके विशेष कमेटी का गठन करके पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। सदर थाना झुंझुनू में किसी स्कूल का मामला दर्ज हुआ है, बच्चों के साथ यौन शोषण कराया किसी अध्यापक ने, कोई इंग्लिश का अध्यापक है, तो उसके लिए पुलिस या डिप्टी हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उन्होंने उसके एक्यूज की पीसी ली और पीसी लेने के बाद आज उसको जैसी करवा दिया है। अभी अनुसंधान और चल रहा है उसमें। आज जिला अभिभाषक झुंझुनू की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दोरासर में जो एक सरकारी स्कूल संचालित है, उसमें एक शिक्षक द्वारा और बच्चों का यौन शोषण किया गया है। उस कुकर्मी शिक्षक की जिला अभिभाषक संघ झुंझुनू उसके द्वारा किए गए कृत्य की घोर निंदा करती है और उस कुकर्मी शिक्षक की कोई अधिवक्तागण पैरवी नहीं। वहाँ के कार्यरत शिक्षक रविंद्र सिंह शेखावत, जो कालीपाड़ी के निवासी था, उसने एक दर्जन बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान शर्मसार है, देश के अंदर आज जिस तरह बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है और कड़े कानून भी लोकसभा लेके आई, लेकिन सभापति महोदय ऐसे मामलों के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर उसके भय से डर से एक साल से डेढ़ साल से मामला चलता रहा। हिम्मत करके दो बच्चों ने बात बताई, उस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना चाहिए। हो सकता है कि कितने बच्चों के साथ उसने इस तरह की, आधा मिनट के अंदर पूरी बात समाप्त करता हूँ, उसने घटना